भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है, समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए वो 80-20 पर और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए, वो दूर न जाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय, केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा AKTU जो कलाम साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है उसमें जो भर्ती हुई वो बता दें अभी। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, तभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो उसके मन की टिकट ना मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेज कर। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।